हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अर्चना सिंह आप लोग का एक बार फिर से बीईओ के एग्ज़ाम 2020 में वेलकम करती हूँ। तो हम लोग कर रहे हैं 30 डेज़ रिवीजन कोर्स, जिसमें मैं आज आपका पार्ट 8 लेकर आई हूँ। 7 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जिसको आप बीईओ की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आप लोगों को जैसा कि पता है 16 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाला है और हमारा सिर्फ 25 दिन रह गए हैं, तो इसलिए पूरे प्रॉपर जोश के साथ तैयारी में लग जाइए। करंट अफेयर्स की सीरीज़ में जल्द ही उसकी पीपीटीज तैयार कर रही हूँ और जल्द ही आपके सामने अपलोड करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो खंड शिक्षा अधिकारी के 20 क्वेश्चन हैं, टॉप 20, जो कि एग्ज़ाम में आने के बहुत बहुत चांसेज है। इसमें रीजनिंग और मैथ्स भी इंक्लूड होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2019 में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने चंडीगढ़ के CFSL में अत्याधुनिक DNA विश्लेषण केंद्र का उद्घाटन किया। इस उन्नत फॉरेंसिक DNA विश्लेषण सुविधा द्वारा प्रति वर्ष कितने मामलों की जांच की जा सकती है? ऑप्शन है 1500, 1700, 2000 या 2200। तो इसका करेक्ट आंसर है 2000। 2000 मामलों की जाँच प्रति वर्ष की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय का छोटा भाई कौन था? अच्युत देव राय, वेंकट वन, श्रीरंगा वन या श्रीरंगा थ्री। तो ये हमारा हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है अच्युत देव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक शक्तिशाली नहीं है? मतलब कि बाकी जो बचेंगे तीन वो एसिटिक अम्ल से शक्तिशाली हैं। तो टार्टरिक अम्ल ऐसा है जो एसिटिक अम्ल से शक्तिशाली नहीं है, बाकी फ्लोरोएसिटिक अम्ल, फ्लोरोएसिटिक अम्ल और ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल तीनों हैं जो शक्तिशाली हैं एसिटिक अम्ल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था? 1906 में, 1908 में, 1913 में या 1917 में। तो करेक्ट आंसर है 1908 में। इन्हें दक्षिण अफ्रीका में जो उन्होंने कैंपेन चलाया था अपना, उसके विरुद्ध में सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, न्यूटन ने की थी, डाल्टन ने की थी, कॉपरनिकस ने की थी, आइंस्टाइन ने की थी। तो करेक्ट आंसर है कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने सबसे पहले खोज की थी कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ घूमती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो हमारे भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है ये हमें बताना है। तो ये तो ऑब्वियस है, सबको आता ही होगा जो तैयारी कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 32,87,240 वर्ग किलोमीटर। तो हमारे संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल इतना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है, इनमें से कौन से अभिलेख में कालिदास का उल्लेख हुआ है? तो कालिदास का उल्लेख पुलकेशिन दो के ऐहोल अभिलेख में कालिदास का उल्लेख हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नील हरित शैवाल का उपयोग नत्रजन आपूर्ति हेतु कहाँ किया जाता है? बाजरा में, मक्का में, धान में या गेहूं? तो यहाँ गेहूं को किया जाता है, सॉरी धान को किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषी पौधे कौन से होते हैं? तो गैर हरित विषम जो पौधे होते हैं वो होते हैं कवक, जो दूसरे जैसे कि शैवालों पर डिपेंड होते हैं, तो ये कहलाते हैं गैर हरित विषम पोषी पौधे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इब्न बतूता जो कि एक अरब विद्वान और यात्री था, किसके शासनकाल में भारत आए थे? गयासुद्दीन बलबन के, हिमांशु के, मोहम्मद बिन तुगलक के, शेरशाह सूरी के। तो इसका करेक्ट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2019 में दुबई में जारी बल्लेबाजी के लिए नवीनतम ICC T20 रैंकिंग में रोहित शर्मा की क्या रैंकिंग थी? तो रोहित शर्मा की रैंकिंग थी नंबर 8। ये सितंबर की है, अब अपडेट हो गई होगी तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग आंसर लिखेंगे, बट एक साल का करंट अफेयर्स इसमें ज़रूरी है, मस्ट है, आपको करना ही पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, श्याम कुमार किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो श्याम कुमार जुड़े हैं मुक्केबाजी के खेल से, इन्हें मुक्केबाजी में कई पदक भी मिल चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित किस कारण से आवश्यकता जो है वो मांग बन जाती है?
तो क्रय क्षमता से क्रय की आवश्यकता, क्रय की इच्छा या वस्तु की उपयोगिता। तो अगर हमारी क्रय क्षमता अधिक होगी, खरीदने की शक्ति अधिक होगी, तभी वो आवश्यकता मांग बन जाएगी। लेकिन अगर हमारी इच्छा ही होगी क्रय करने की, लेकिन क्रय क्षमता नहीं होगी, तो वो मांग नहीं बन सकती। ऐसी उपयोगिता तो है, लेकिन क्रय क्षमता मतलब हम उस वस्तु को खरीद सकते हैं, इतनी हमारी क्षमता होनी चाहिए, तो वस्तु मांग बन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो प्लीहा, जो स्प्लीन होता है, इसे कहा जाता है मानव शरीर का रक्त बैंक। नेक्स्ट है, निद्रा गति किस गति का अन्य नाम है? तो ये साइंस का क्वेश्चन है, ये है अनुकुंची गति का अन्य नाम निद्रा गति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अपसारी प्लेट सीमाओं के बारे में सही नहीं है? तो इसका मैं आंसर आपको बता देती हूँ, ये है अपसारी सीमाओं का सबसे अच्छा उदाहरण सबडक्शन क्षेत्र है, तो ये बिल्कुल गलत है। अपसारी सीमाओं का सबसे अच्छा उदाहरण होता है अमेरिकी जो प्लेट है, यहाँ पे जैसे अमेरिकी प्लेट बनी हुई है और यहाँ यूरेशिया की और अफ्रीका की प्लेट है, इसमें जो बीच में आता है प्लेट्स सीमाएँ, उसे कहा जाता है अपसारी सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में भिन्न का चयन कीजिए। अब ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपको इसमें बताना है कि इसमें सबसे अलग कौन सा है। तो इसको जरा कॉपी पेन लेके अपने आप सॉल्व करके इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, और जिनका नहीं हो पा रहा है उनको मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं भी देखना चाहती हूँ आप लोगों की तैयारी कहाँ तक पहुँची है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत्ति को किस में मापा जाता है? तो आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में, मीटर सेकंड में नहीं, रेडियन में नहीं, वॉट में नहीं, आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा संगम साहित्य व्याकरण कवि और कविताओं से संबंधित है? तो लक्कापियम, तिरुकुलर, इथुकोतई या मेल कन्नाकू। तो तोलक्कापियम जो है उसमें संगम साहित्य की व्याकरण और कविताएं दी गई हैं। तो आज की 20 क्वेश्चन यहीं ख़त्म होते हैं, होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और कमेंट करके अपना स्कोर बताना बिल्कुल ना भूलें, और जो भी क्वेश्चन मैंने दिया है आपको होमवर्क में, वो क्वेश्चन ज़रूर करें, आपका रिदम ऐसे ही बनता रहे पढ़ाई के लिए। और मैं जल्द ही नए नए टॉपिक्स पर वीडियो लेकर आने वाली हूँ, प्लानिंग चल रही है, तो इसके लिए हमारे चैनल को ऐसे ही देखते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।